ट्रेन पहली बार देखे? हाँ, पहली बार देखी। पहली बार सफर? पहली बार। ये बच्चों ने हमें कहा कि हमने ट्रेन देखा ही नहीं है और ट्रेन में हम बैठे ही नहीं है, बोले वो ट्रेन में बस ले तो अच्छा लग ली। हमारे और आपके लिए शायद ट्रेन का सफर आज के दौर पे काफी आम होगा, मगर हमारे आसपास कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो आज के दौर पर पहली बार ट्रेन देख रहे हैं, इस रेल के सफ़र को अनुभव करने जा रहे हैं। ये सुनकर थोड़ा चौंकेंगे ज़रूर आप, क्योंकि ये वाकई सच है, रियलिटी है। मैं आज अबूझमाड़ के कुछ बच्चों से बात करने आया हूँ, जो लोग आज पहली बार शहर आए हैं वो लोग ट्रेन पहली बार देख रहे हैं। मेरा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। अबूझमाड़ के कुछ बच्चे भिलाई पहली बार आए हैं, भिलाई भ्रमण के लिए आए हैं। जो बच्चे कभी ट्रेन नहीं देखे उन तक विकास आज तक नहीं पहुंचा। तो एक संगठन है, वो संगठन आज मिलकर उन बच्चों को रेल की यात्रा करा रही है, वो भिलाई का भ्रमण करा रही है। मैं उन सारे बच्चों से आज बात करूँगा, तो देखिएगा आप कि विकास कहाँ कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ कहाँ तक नहीं। पहली बार आए हैं भिलाई? हाँ, पहली बार आई हूँ। अच्छा, तो ट्रेन पहली बार देखे आप? हाँ, पहली बार देखी। पहली बार सफर? पहली बार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ तक आने का कैसा अनुभव रहा है, किसके जरिए आए? हम लोग बस के जरिए से आए। हाँ, और कौन कौन है आपके इंचार्ज? क्या नाम है? वो मीना। किशोरी। ट्रेन कभी देखे थे मोबाइल में या फोटो में, टीवी में? देखे थे और टीवी में भी देखी थी। अच्छा, तो आज पहली बार बैठ रहे? हाँ, पहली बार बैठी हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। चलिए और भी ऐसे लोगों से बात करते हैं, है ना। मैम, आप लोग ही सारे मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं, सारे बच्चों को इस यात्रा के लिए लेके आए हैं, तो आप लोगों का कैसा अनुभव है? और आप लोग ऐसे बच्चों से मिलते रहते हैं जिन तक विकास अब तक नहीं पहुंचा, तो आप लोग एक ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद कोई बहुत कम लोग कर रहे होंगे यहाँ पर। कुछ अपना अनुभव बताइए। ये ज़्यादा अच्छे से बताएंगी। वैसे मैं कल्याण आश्रम से जुड़ी हुई हूँ। क्या है, हम अभी बस्तर गए हुए थे, वहाँ पे तो यहाँ सब बच्चियों से मिले हम। हम आदिवासी महिला विकास समिति के हम मेंबर हैं। हमने कहा चलो वहाँ बच्चे भी यात्रावास में गए थे, बारसूर और भानपुरी, दो जगह हम गए थे। ये बच्चियों ने हमें कहा कि हमने ट्रेन देखा ही नहीं है और ट्रेन में हम बैठे ही नहीं हैं, बोले वो। तो हमने तय कर लिया संदेह कि हमको उनको ट्रेन दिखाने ही है। हम वहाँ से आए, तुरंत एक मीटिंग ली हमने और बस इंतज़ाम किए, सब बच्चों को भी हम यहाँ ले के आए हैं। बच्चे यहाँ पे आए हैं, अब बच्चे बहुत खुश हैं, स्टेशन देख के खुश हो रहे हैं। आपका नाम? कुमारी दुलेश्वरी कश्यप। पहली बार आए? जी। ट्रेन पहली बार देखे? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा। बोलना चाहेंगे ऑडियंस को? नहीं। कि ट्रेन पहली बार देखे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मेरे को। खाली अच्छा लग रहा है। और कौन कौन आया है? सारे बच्चे। आप? मेरा नाम कुमारी दुतिका कश्यप। आप भी पहली बार ट्रेन देखे? जी। पहली बार सफर करने जा रहे हैं? जी। कहाँ जा रहे हैं आप? डोंगरगढ़ जा रहे हैं जी। अच्छा, पता है वहाँ पर क्या है? नहीं पता है। बम्लेश्वरी माता। क्या पढ़ाई करते हैं आप? छठवीं में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आने का कभी सोचे थे भिलाई आएंगे करके? नहीं। शहर भी पहली बार देख रहे हैं ना? जी। बात करते हैं। हाँ। आपका नाम? भागेश्वरी बघेल। आपका? प्रेमवती कश्यप। आप लोग? हाँ जी जी। हाँ जी। आप लोग पहली बार ट्रेन में बैठे? जी। आप? जी। कैसा लग रहा है ट्रेन में? अच्छा लग रहा है। कितने बजे पहुँचे यहाँ पर? 3 बजे। 3 बजे पहुँच गए थे? तो ट्रेन देखे, चलते हुए ट्रेन देखे? नहीं, अभी तक चलते हुए ट्रेन देखी नहीं। कोई ट्रेन गुजरी नहीं है पटरी से? नहीं गुजरी। तो अभी खुद ही आप लोग गुजरोगे बैठ के? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो देखिए, कुछ बच्चे हैं ऐसे आज के दौर पर भी जो ट्रेन को पहली बार देख रहे हैं, रेल को पहली बार देख रहे हैं। विकास का जो पर्दा है उसको हटा कर भी देखेंगे तो आप लोगों को ये दौर समझ में आएगा। और भी ऐसे बच्चे हैं जो नहीं देखे हैं ट्रेन, हम उनसे भी बात करेंगे, देखते हैं। आइए, क्या नाम है आपका?
रिंकी बघेल। आपको क्या नाम? लता मंडावे। पांडे मुरामी। कमला सौड़ी। कहाँ से हैं आप? दंतेवाड़ा जिला बारसूर। बारसूर से आए आप? दंतेवाड़ा जिला बारसूर। बारसूर वाले जी। पहली बार ट्रेन बैठे? जी पहली बार बैठे। पहली बार सफर कर रहे हैं? जी। ट्रेन को चलते हुए देखे थे? जी देखे थे। आज पहली बार सफर करने जा रहे हैं? जी। कहाँ जा रहे हैं आप? डोंगरगढ़ जा रहे हैं। डोंगरगढ़ कौन ले जा रहा है? डोंगरगढ़ नागेश भैया। रेखा खाले दीदी और नागेश भैया ले जा रहे हैं। कौन से कक्षा में पढ़ते हैं? नाइन्थ क्लास में पढ़ती हैं। नाइन्थ क्लास में पढ़ते हैं। कैसा लग रहा है ट्रेन में आज पहली बार बैठ के? ट्रेन चालू होगी थुक 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 थुक, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। कौन सा भाषा बोलते हैं आप? हल्बी भाषा। हल्बी भाषा बोलते हैं तो हल्बी में कुछ बोलो कि ट्रेन में बैठ के मजा आया बहुत। क्या होता है इसका मतलब? अच्छा लगा। अच्छा बैठ के अच्छा लगा, इसका मतलब ये होता है। चलिए बढ़िया है। सविता बेटी। अच्छा तो आप लोग कौन कौन से गांव से आए? आप कल जा गांव? मेरा गांव है कलेपार। आपका? अधिकारी दास। आपका? मरसे। आपका? किलेपाल। आपका? बुरुंगपाल। अच्छा तो साथ ही में पढ़ाई होती है आप लोगों की? साथ में पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो आप पांचों पहली बार ट्रेन देख रहे हैं? जी। कौन कौन देखा नहीं ट्रेन आपने? नहीं। पहली बार ट्रेन देख रहे हैं? जी। पहली बार सफर करने जा रहे हैं? जी। कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है जी। कुछ हाल ही में बताइए कि ट्रेन में बैठ के कैसा लग रहा है? ट्रेन में बस ले तो अच्छा लग ली। आप बताओ। मैं सेकंड बार ट्रेन में बैठ रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सेकंड बार बैठ रहे हो आप? जी। हल्बी में बताओ। हल्बी में? अरे हल्बी अपनी भाषा बोलने में क्या है? नंद्रन तबा हो तो मुझे ट्रेन तगा लेकिन क्या नया सा लग लगता। अच्छा आप कुछ बताइए। अरे बोलो बोलो। मैं पहली बार बस ले ट्रेन तान अच्छा लगे। तो नीलो। आपका? बसंती बघेल। कहाँ से हैं? सोर गांव से। आप कहाँ से? जामगाम से। कैसा लग रहा है ट्रेन? अच्छा लग रहा है। आप पहली बार बैठ रहे हैं? आप भी? जी। आप भी पहली बार बैठ रहे हैं? जी पहली। आप भी? जी जी। आप भी पहली बार? जी। सब चारों मतलब काफ़ी ज़्यादा संख्या है जो लोग पहली बार ट्रेन देख रहे हैं, पहली बार ट्रेन में बैठ रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा आने से पहले बताए थे कि आप लोग आज ट्रेन का भी सफ़र कराएंगे करके? बताए थे ना। आपसे सिर्फ बात करना रह गया था, सोचा था कि आराम से बात करूँगा आपसे। क्या नाम है आपका? कुसुम। कुसुम जी। कौन से गांव से हो? चुरावंडी। चुरावा जी। तो कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? पांचवी। पांचवी में पढ़ते हो जी। क्या भाषा बोलते हो? हल्बी। हल्बी जी। पहली बार ट्रेन बैठ रहे हो तुम भी? जी। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। अभी ट्रेन चलते हुए देखी कोई? नहीं देखे। अच्छा पहली बार देख रहे हो अभी? जी। तो कभी टीवी में देखे थे ट्रेन को चलते हुए? जी। कैसा लगता था? ठीक लगता था। अभी सोचे थे बैठेंगे हम भी? जी। हाँ नहीं सोचे थे लेकिन आज बैठ रहे हो। जी। कहाँ जा रहे हो? डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ जा रहे हो? जी। माता का दर्शन करने? जी। फिर आने के बाद क्या करोगे? कुछ नहीं। नाश्ता तो किए कि नहीं? किए। और कैसा लग रहा है बताओ? ठीक लग रहा है। ये अच्छा ये तुम्हारा आई कार्ड है? जी। भिलाई भ्रमण कार्यक्रम कुसुम। तो फिर चलूँ मैं? आवाज़ आ गई है बताना। ये ट्रेन दुर्ग से डोंगरगढ़ जाने वाली है। यहाँ पर कुछ बच्चे जिनसे भी मैंने बातचीत की, आपने सुना, वो बच्चे आज पहली बार ट्रेन में सफ़र करने जा रहे हैं। विकास हर तक नहीं पहुँचता क्योंकि कुछ बच्चे कुछ वर्ग ऐसे आज भी ऐसे रह गए हैं जो इस प्रकार के विकास देखने में असक्षम रहे हैं। वनवासी विकास समिति के नाम से एक संगठन है जो इन बच्चों को आदिवासी क्षेत्रों से उनके गांव से उनको पढ़ाने के लिए उनको
ग्रोथ करने के लिए उन बच्चों को लेके आया जाता है। एक छात्रावास है, उस छात्रावास में रखा जाता है, उनको शहर दिखाए जाते हैं, उनकी पढ़ाई और अच्छी कराई जाती है। ये उसी संगठन का ये परिणाम है कि वो बच्चे आज पहली बार ट्रेन पे बैठे हैं, ट्रेन का अनुभव कर रहे हैं। ये आपके और हमारे लिए काफ़ी रोचक बात है। इसी रोचक बात को आप तक ले कर आने के लिए मैं आज यहाँ पर सुबह सुबह दुर्ग जंक्शन स्टेशन पर खड़ा था और काफ़ी लोगों से बातचीत की। इस प्रकार के खबरों को जानने के लिए, इससे अपडेट रहने के लिए केपी न्यूज़ से जुड़े रहे। मेरा नाम मनीष है, आप देख रहे थे केपी न्यूज़। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।